नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने SPD30 फ्रिज और लूप, फ्रिज लूप कैसे बनाया जाए, आप फ्रिज लूप कैसे यूज करें, आज दोस्तों इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें तो आपको फ्रिज और लूप बनाने में ज्यादा और जल्दी समझ में आएगा। दोस्तों, आपका जो SPD30 है इसमें एक ऐसा फंक्शन दिया हुआ है जिसको यूज करके आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे चार म्यूजिशियन का काम एक साथ कर सकते हैं। आपके SPD30 में वो फीचर है जिसका नाम है लूप और फ्रिज। दोस्तों, आपके SPD30 में लूप और फ्रिज बनाने के लिए जितने भी स्विचेज हैं, ये स्विच का फंक्शन आपको समझना बहुत जरूरी है। ये फंक्शन आपको बाय हार्ट आपको हमेशा याद होना चाहिए। दोस्तों, फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, हालांकि ये मैं पिछले वीडियो मैंने जिक्र किया था, आज फिर से मैं वही चीज दोहरा रहा हूं। ये बटन कीट स्पेशल बटन है। इस बटन से केवल कीट को आप आगे पीछे कर सकते हैं, केवल पैच चेंज कर सकते हैं, इसका दूसरा कोई फंक्शन नहीं है। इसके ऊपर मेन्यू बटन है, क्विक बटन है, बैक बटन है। दोस्तों, इसका कोई अभी यूज नहीं आने वाला आपको फ्रिज लूप में। इसके ऊपर नोब बटन है, सॉरी बटन नहीं, इसको केवल नोब बोलते हैं, नोब 1, नोब 2, नोब 3। इसके ऊपर आपको तीन स्विच दिख रहा है, ये फंक्शन स्विच है, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3। अब डिस्प्ले के ऊपर आपको बहुत सारे व्हाइट स्विच दिख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं क्लियर करूं कि यहां पे सब स्विच पे नाम लिखा हुआ है। नाम लिखने का मतलब वो है स्पेशल उसी काम के लिए, जैसे यहां पे स्विच पे लिखा हुआ है म्यूट, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि इस स्विच से म्यूट के सिवा दूसरा कोई भी काम आप नहीं कर सकते। इसके बगल में FX कंट्रोल लिखा हुआ है। दोस्तों, FX कंट्रोल स्विच इसलिए है कि आप जो लूप और फ्रिज यूज कर रहे हैं, फ्रिज बनाने के लिए आप तीन किट का यूज करने वाले हैं। हो सकता है कि आपके तीनों किट में FX डिफरेंट रहे, किसी में आप रिवर्ब यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि किसी में आप डिले भी यूज कर रहे होंगे, हो सकता है किसी में आप फेजर यूज कर रहे हैं, तो वो तीनों को अलग अलग कंट्रोल करने के लिए स्पेशल बटन यहाँ पे दिया हुआ FX कंट्रोल। इसके बगल में वी लिंक एक स्विच है। दोस्तों, ये वी लिंक थोड़ा सा म्यूजिक से हट के दिया हुआ है, ये उनके लिए है जो वीडियो प्रोडक्ट यूज करते हैं। वीडियो प्रोडक्ट को आप यहां से ट्रिगर कर सकते हैं, आप उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं ट्रिगरिंग करके। स्पेशल ये स्विच वीडियो कंट्रोल के लिए है। उसके बाद इरेज। दोस्तों, ये इरेज स्विच इसलिए दिया गया है कि आपको फ्रिज बनाने के टाइम में आपसे अगर कोई गलती हो गई, कोई मिस्टेक हो गई, या आप कुछ हटाना चाहते हैं, कुछ डिलीट करना चाहते हैं, इरेज करना चाहते हैं, उसके लिए स्विच दिया हुआ है। इसके बाद दिया हुआ सेट लूप नेक्स्ट। दोस्तों, ये स्विच उस काम के लिए है, कभी ऐसा होता है कि आप जो लूप बजाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि सर्टेन टाइम में फ्रिज पूरा होने के बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाए, तो ये स्विच उसमें काम आता है। उसके बाद ये प्लेयर रिकॉर्ड तो आप देख ही रहे हैं। एक और इसमें तीसरा फंक्शन ऐड किया गया, स्टॉप। तो दोस्तों, स्टॉप करने के लिए यहाँ पे कोई स्पेशल बटन नहीं है, स्टॉप के लिए आपको दो बटन एक साथ दबाना है। ये देखिए, यहाँ पे डिस्प्ले पे लिखा हुआ है प्ले और रिकॉर्ड, जब दो बटन आप एक साथ दबाएंगे तो आपका फ्रिज स्टॉप हो जाएगा। और ये स्टैंड बाई बटन काफी यूजफुल है। यूजफुल इसलिए है कि स्टैंड बाई से ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका मेजर कितना होगा, मेजर के अंदर बीट कितना होगा। इतना सब समझने के बाद आइए हम लोग फ्रिज बनाते हैं, फ्रिज का प्रैक्टिकल करते हैं, फ्रिज बनाने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उसको कैसे आसान किया जाए। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि इसमें फ्रिज लूप कैसे बनाते हैं। फ्रिज लूप बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्टैंड बाई बटन दबाना है। जब आप स्टैंड बाई बटन दबाएंगे तो डिस्प्ले पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2, 4, 8, 16, 2, 3, 4, 6। तो जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो ऊपर वाले पार्ट दिख रहे हैं, ये मेजर है, और जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है ये बीट है। आपको यदि 4-4 का बजाना है तो ये 4 और ये 4, मतलब ऊपर का जो दिख रहा है ये वाला आपका मेजर, नीचे वाला बीट, आप 4-4 सेलेक्ट कर दिए। यदि आपको 2-4 बजाना है 2 मेजर 4 बीट, यदि आपको 2-2 का बजाना है 2 मेजर 2 बीट, यदि आपको 2-4 बजाना है, यदि आपको 3-4 बजाना है, तो अभी हम लोग 4-4 बजा रहे हैं, 4-4। मैंने 4 मेजर 4 बीट सेलेक्ट कर लिया। 4 बीट सेलेक्ट करने के बाद अब आप नॉर्मल मोड में आ गए, अब आप पैच मोड पे अभी हैं। अभी आप जो बजाएंगे वो रिकॉर्ड होगा, लेकिन रिकॉर्ड करने के पहले 2-3 चीज और सेट करना पड़ता है, जैसे क्वांटाइज सेलेक्ट करना पड़ता है। आप जो बजा रहे हैं वो 8 बीट में है या ट्रिपलेट में है, 16th नोट में है या 24th नोट में है। उसके बाद
आपको टेम्पो डिसाइड करना है, तो टेम्पो आप दो तरह से डिसाइड कर सकते हैं, या तो नोब घुमा कर डिसाइड कर लीजिए या टैप करके डिसाइड कर सकते हैं। टैप करने का मतलब इसको यहाँ टैप भी कर सकते हैं या इसको होल्ड करके पैड पे हिट करके आप टैप कर सकते हैं। अभी हमारा टेम्पो डिसाइडेड है, मैं 130 रखा हूं। अब मैं शुरुआत करता हूं हाई हेट से, एक हाई हेट का साउंड रिकॉर्ड करता हूं इसी टेम्पो में। मैं क्वांटाइज 16 कर ले रहा हूं, अभी आप देख सकते हैं आपके सामने हाई हेट का साउंड पूरी तरह रिकॉर्ड हो गया। अब यदि आप चाहते हैं कि इसको डिलीट करना है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इरेज बटन प्रेस करके रखना है और जिस पैड से आपने बजाया उसको एक बार हिट कर देना है। आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं क्लीन होना शुरू हो गया। तो उम्मीद था अभी आप समझ गए होंगे कि रिकॉर्ड करने के बाद इरेज कैसे करना है। अब वापस फिर मैं वही चीज रिकॉर्ड कर रहा हूं। अभी आप देख सकते हैं कि म्यूट बटन है। म्यूट बटन के लिए सेम जैसा मैंने इरेज किया था सेम वैसे ही आपको म्यूट बटन होल्ड करना है और जिस पैड का साउंड आपको म्यूट करना है उसको हिट एक बार कर दीजिए। पूरा म्यूट हो गया, अभी वो साउंड गया नहीं है, सिर्फ उसको म्यूट किया गया है। आप यदि चाहें तो वापस रिकॉल कर सकते हैं, म्यूट को होल्ड कीजिए और एक बार हिट कर दीजिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको म्यूट और इरेज दोनों समझ में आ गया होगा। दोस्तों म्यूट और इरेज दोनों अलग अलग है। म्यूट करने का मतलब साउंड को थोड़ी देर के लिए आप डिसेबल कर सकते हैं, इरेज करने का मतलब परमानेंटली डिलीट कर देना। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, म्यूट और इरेज दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो आइए अब हम लोग तीन किट को मिला करके एक फ्रेज बनाते हैं। दोस्तों ये लूप और फ्रेज बनाने के लिए मैं पूरी तरह से तीन किट यूज कर रहा हूं। सबसे पहला किट मैं यूज कर रहा हूं ड्रम, उसके लिए मैं सबसे पहले स्टैंड बाई दबा रहा हूं। स्टैंड बाई में हमारा मेजर पहले सेलेक्टेड है, टू और टू, टू मेजर टू बीट्स, एकदम छोटा सा लूप बना रहा हूं। सबसे पहले मैं हाइट प्ले कर रहा हूं, आपने अभी यहां देखा होगा कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मैं ऐसा बजाती जिसकी जरूरत ही नहीं थी मुझे। आपने देखा होगा कि मैंने टॉम्स बजाए, सिंबल्स बजा दी, इसकी जरूरत नहीं थी। दोस्तों आप रियल टाइम में उसकी म्यूट कर सकते हैं। ये देखिए पैटर्न आपका चालू हो गया। अब आपको यदि म्यूट करना है डिलीट करना है आप दोनों कर सकते हैं। मैं पहले ही बताया था म्यूट करने के लिए म्यूट बटन, डिलीट करने के लिए इरेज बटन आपको प्रेस करना है। ग्रुप चालू कर लेता हूं। दोस्तों इस तरह से अननेसेसरी साउंड जो आपको डिलीट करना आपने डिलीट कर लिया। जैसे मैंने एक किट ड्रम्स का यूज किया, ड्रम्स का मेरा लूप रेडी हो गया। अब इसके बाद आपको ओवरलैप करना है। मैं अभी इस पे गिटार ओवरलैप कर रहा हूं, मतलब इस ड्रम के लूप के साथ मैं गिटार भी बजाना चाह रहा हूं, कर सकते हैं।
आपको यदि ऐसा लगता है कि इसमें कुछ और एडिट करना है, म्यूट करना है, डिलीट करना, आप रियल टाइम में उसको कर सकते हैं। आप जो दूसरा लेयर, सेकंड लेयर, आप जो भी यूज कर रहे हैं, बेस गिटार हो, डफ हो, ढोलक हो, डफली हो, तबला हो, कुछ भी हो, आप उसको म्यूट इरेज दोनों कर सकते हैं। देखिए मैं एक बार म्यूट करके दिखा रहा हूं। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताऊं, अभी मैंने पार्ट पार्ट करके एक एक टॉम को मैंने म्यूट किया। आप यदि चाहें तो फ्लैप म्यूट कर सकते हैं, एक बार में पूरे कीट को म्यूट कर सकते हैं। अभी देखिए मैं जैसे म्यूट किया था, सबको अनम्यूट कर रहा हूं। पहले दोस्तों ये जो मैं पार्ट पार्ट करके एक एक पैड को हिट करके म्यूट कर रहा था, आप यदि चाहें तो इसको फास्ट म्यूट भी कर सकते हैं। फास्ट म्यूट में एक बार में पूरा आपका कीट म्यूट हो जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या है, म्यूट बटन होल्ड करने के बाद आपको यहां पे आना है, F3 बटन प्रेस करना है। देखिए मैं भी कर रहा हूं। आप जब म्यूट बटन होल्ड करके रखेंगे तो आपको यहां पे ऑप्शन मिलेगा म्यूट ऑल। यदि आपने म्यूट ऑल कर दिया, टोटल आपका ओवरऑल पार्ट म्यूट हो जाएगा। आप यदि चाह रहे हैं तो एक लेयर, एक किट भी म्यूट कर सकते हैं। एक किट म्यूट करने के लिए भी सेम प्रोसीजर आपको अपनाना है। दोस्तों ये दो किट यूज करके जब आप फ्रेज रेडी कर लेते हैं, अब इसके साथ आप चाहें तो पूरे 99 किट आप लाइव में यूज कर सकते हैं। लाइव करने का मतलब कि वो रिकॉर्ड नहीं होगा, आप रियल टाइम में पैच चेंज करके बजा सकते हैं। ये देखिए मैं आपके सामने यूज कर रहा हूं, पहले मैं लूप को स्टार्ट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने किट नंबर 1 से लेकर के 58 तक मैं घूम के इधर आ गया, मतलब तो पूरा पैच आप बजा सकते हैं, 1 to 99 तक कोई भी पैच आप रियल टाइम में बजा सकते हैं। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि ये रिकॉर्ड मोड में नहीं होना चाहिए। रिकॉर्ड मोड कहने का मतलब आप देख सकते हैं यहां पे पहला जो ट्रैक मैं यूज किया हूं, पहला लेयर जो यूज किया हूं ड्रम्स, यहां देखिए टिक मार्क हो गया है। मैं जो बास और सिंथ यूज किया यहां भी टिक मार्क हो गया, लेकिन मेरे थर्ड में टिक मार्क नहीं हुआ। इसका कारण यह कि मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, इसको मैं रियल टाइम लाइव मोड प्ले मोड में रखा हूं। यहां देखिए प्ले मोड में आपकी ग्रीन डिस्प्ले जल रही है, अगर ये रिकॉर्ड मोड में रहेगा तो वापस टिक हो जाएगा। ये देखिए आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आपको पूरे पैच लाइव में यूज करना है, रियल टाइम यूज करना है, तो थर्ड पार्ट को आपके लिए सेपरेट वैकेंट एम्प्टी रखना है। और मैं पिछली बार जो बताया था एफएक्स कंट्रोल, तो दोस्तों एफएक्स कंट्रोल में क्या है कि आप जो भी किट आप यूज कर रहे हैं, आपने जो भी इफेक्ट असाइन किया उसका आपको कंट्रोल डायरेक्ट मिलता है। डायरेक्ट कहने का मतलब कि जैसे मैं ड्रम्स यूज किया हूं, ड्रम्स मैंने रिवर्ब यूज किया,
ये आप रिवर्ब को सामने से रियल टाइम में कंट्रोल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप चाहें तो उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। रिकॉर्ड करने का मतलब कि आप उसको जिस एंगल से, जिस बिट पे जितना वेलोसिटी करेंगे वो वेलोसिटी रिकॉर्ड हो जाएगा। ये मैं आपको फेदर पे रिकॉर्ड करके दिखाता हूं। इसमें दो तरह की सेटिंग है, या तो आप परमानेंट उसको सेट करके रख सकते हैं या उसको रियल टाइम आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। रियल टाइम कहने का मतलब कि जिस बीट पे आप उसको जितना रोटेट करेंगे उतना वो गेन देगा। गेन कहने का मतलब कि वो जिस इफेक्ट से जो सिग्नल निकल रहा है वो उतना फ्रीक्वेंसी में आपको देगा ही देगा। और मैं बताया था सेट लूप नेक्स्ट। दोस्तों ये स्विच का स्पेशल यूज इसलिए, सपोज कीजिए कि आप फ्रेज प्ले कर दिया, प्ले करने के बाद आपको एक बार बजा के बंद करना है तो आपको उसके लिए अलर्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये स्विच एक बार असाइन कर दीजिए, वो बार पूरा होने के बाद ऑटोमेटिक स्टॉप होगा। ये देखिए, आपने देखा होगा कि ये खुद ब खुद एक मेजर कंप्लीट होने के बाद स्टॉप हो जाता है। उसका स्पेशल उतना ही काम है। इसके अलावा और आपके जो फ्रेज रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करने के अंदर बहुत सारे फंक्शन है। आपको क्विक बटन में दिखाई पड़ेगा, जब मैं क्विक बटन प्रेस करूंगा इसमें देखिए आपको दिखाई पड़ा पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, जो भी तीन पार्ट आपने रिकॉर्ड किया, किट वन, किट टू, किट थ्री, उसको आप अलग अलग वॉल्यूम असाइन कर सकते हैं। वो यहां पे देख सकते हैं, अभी मैंने जो तीन पार्ट यूज किया था, पहला पार्ट में मेरा ड्रम था, दूसरे पार्ट में बेस गिटार था, तीसरे पार्ट में मैंने ढोल लगा के रखा था। ढोल का पार्ट मैं लाइव में रखा हूं, उसको मैं रिकॉर्ड नहीं किया था, इसलिए उसका लेवल अभी 100% है। आप देख सकते हैं मेरा थर्ड पार्ट भी चालू है, लेकिन पार्ट टू मेरा बंद है क्योंकि उसका वॉल्यूम यहां से मैं बंद करके रखा हूं। पार्ट वन भी मेरा बंद है क्योंकि मैं यहां से वॉल्यूम बंद करके रखा हूं, वो रिकॉर्ड मोड में। आप चाहें तो उसको जितना जरूरत हो, जितना परसेंटेज हो, परसेंटेज के हिसाब से उसको मिक्स कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको आपको ड्रम्स का लेवल 60% रखना है, आप यहां 60% असाइन कर लीजिए। अब आपको बेस गिटार का वॉल्यूम 40% रखना है, आप यहां से 40% रख सकते हैं। ड्रम्स का वॉल्यूम मैं 60% रखा, बेस गिटार का 40%, और जो मुझे लाइव में इंस्ट्रूमेंट बजाना है, जो इंस्ट्रूमेंट मुझे लाइव में लगने वाले हैं, मैं उसका 100% रखा हूं। आप यदि चाहें तो इस पैच का भी, जो आप लाइव में बजा रहे हैं, रियल टाइम में बजा रहे हैं, आप उसका भी कम कर सकते हैं। ये देखिए, इतना होने के बाद यदि आपको लगता है कि आपको ढोल भी रिकॉर्ड करके रखना है, नो प्रॉब्लम, आप रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। ये देखिए, आपका फ्रेज कंप्लीट होगा, आपकी रिकॉर्डिंग जब पूरी हो जाती है, रिकॉर्डिंग पूरी करने के बाद आपने जो फ्रेज बनाई है, फ्रेज को दो जगह सेव कर सकते हैं, या तो आप एसपीडी 30 में सेव कर लें या आप पेन ड्राइव में सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए क्विक बटन दबाना है, क्विक बटन दबाने के बाद आपको यहां मिलेगा सेव फ्रेज,
सेफ रेंज पे आप जब ओके करेंगे तो यहां आपसे पूछेगा आपका मशीन आपका एसपीडी 30 आपसे पूछेगा कि आपको यूएसबी में सेव करना है या इंटरनल में सेव करना है। अगर आपने यहां पे इंटरनल कर दिया तो इंटरनल में सेव होगा, यदि यूएसबी में सेव करना चाहते यूएसबी में सेव हो सकता है, आप जहां चाहे वहां सेव कर सकते हैं। यदि आप अपने एसपीडी 30 में सेव करेंगे आपके एसपीडी 30 में टोटल 50 फ्रेज सेव होंगे, 50 फ्रेज आप सेव करके रख सकते हैं। यदि आपने पेन ड्राइव में सेव किया तो पेन ड्राइव में से कैपेसिटी बढ़ जाती है, पेन ड्राइव में 99 फ्रेजेज आप रख सकते हैं। अभी मैं इसको इंटरनल एसपीडी 30 में सेव कर रहा हूं, एसपीडी 30 में 4 नंबर पर सेव कर रहा हूं। यदि आप चाहें तो इसका नाम भी दे सकते हैं, जो नाम आप देना चाहें, कुछ भी जो आप चाहें वो दे सकते हैं नाम। मैं अभी इसका नाम न्यू फ्रेज ही रहने देता हूं। अभी ये फ्रिज हमारा सेव हो गया न्यू फ्रिज करके। अब मैं बाहर आ जाता हूं एकदम नॉर्मल मोड पे, जैसा हमारा ऑक्टोपैड पहले था। अभी नॉर्मल मोड में आ गया। अब वो चेक करना है मैंने जो सेव किया वो एज इट इज है या नहीं। मेन्यू बटन दबाएंगे, मेन्यू बटन के बाद नो वन के सहारे आपको लिस्ट में आना है। लिस्ट में आने के बाद इंटर बटन दबाइए। इंटर बटन में देखिए चौथे नंबर पे आपका न्यू फ्रिज। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे प्रीव्यू बटन दिया हुआ है। अब यदि आप चाहें तो इस फ्रेज को स्टैंड बाई मोड में ले सकते हैं। स्टैंड बाई मोड में कहने का मतलब जैसा आपने एग्जिट किया था सेम उसी कंडीशन में आ जाएगा। ये देखिए अभी आपका स्टैंड बाई मोड में, अब आप हिट करेंगे आपका किट रेडी है बजने के लिए। इतना ही नहीं, आप इसको चाहें तो परमानेंटली किट के साथ असाइन कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपका ड्रम किट है, आप किट के साथ अगर असाइन कर लेंगे तो सिर्फ दो बटन दबाएंगे डायरेक्ट वो रिकॉल हो जाएगा। ये रिकॉल करने के लिए आपको थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी है। मेन्यू बटन दबाना है, अदर में आना है, अदर में आने के बाद इंटर, इंटर करने के बाद दे देंगे किट के बाद फ्रेज दिख रहा है आपको। फ्रेज में आकर के अभी यहां पे असाइन करना है, वो फोर्थ नंबर का फ्रेज आपको असाइन करना है। असाइन करने के बाद अभी देखिए आप जैसे ही प्ले बटन और स्टैंड बाई दबाएंगे आपका वो आपके सामने आ जाएगा, या प्ले बटन को होल्ड करके स्टैंड बाई दबाएंगे आपका जो फ्रेज सेटिंग किया हुआ है वो तुरंत रिकॉल हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लूप और फ्रिज बनाना अच्छी तरह सीख गए होंगे और आप कल से यूज भी करना शुरू करेंगे। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिल रहे हैं और नए कॉन्सेप्ट नए मिजाज नए अंदाज के साथ। आपका उदय पाठक, तब तक के लिए विदा, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, प्लीज सब्सक्राइब स्वरित स्टूडियो।